अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी स्टूडेंट को इंटर्नशिप रिपोर्ट की रेडी सॉल्यूशन फाइल या इंटर्नशिप लेटर चाहिए हो तो हमारे साथ इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे 03156393346। उसके अलावा LMS हैंडलिंग वी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स इन सारी डिग्रीज़ के रिलेटेड, अगर किसी भी स्टूडेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट हो या किसी किस्म को कोई भी इशू, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, कॉमर्स, इको, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, फिन, फाइनेंस, HRM इंटर्नशिप रिपोर्ट, मैथ कम्युनिकेशन, MGT मैनेजमेंट के रिलेटेड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग के रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, उसके बाद सोशियोलॉजी और अगेन साइकोलॉजी, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड किसी की भी इंटर्नशिप रिपोर्ट हो तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। इंटर्नशिप रिपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले है कि आपने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट, जिस जगह पे आपने इंटर्नशिप करनी होती है उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि आपने अपने आप को स्टूडेंट शो करना होता है। एक जॉब होल्डर बंदा इंटर्नशिप रिपोर्ट नहीं बनाएगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने 2 महीनों की इंटर्नशिप रिपोर्ट रेडी करनी है, उसके लेटर बनवाने हैं, फिर उसके बाद आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है LMS के ऊपर, और उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है, फिर वाइवा होता है। तो अभी यहाँ पे हम इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये 30 से 35 पेजेस की एक वर्ड फाइल होती है। इसमें सबसे पहले आपने अपना एक टाइटल पेज बनाना होता है। टाइटल पेज बनाना है, आपने कंपनी का नेम लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, अपना नेम, ID, सेशन, सबमिशन डेट वगैरह, ये चीज़ें सारी लिखनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आपने इस तरह लोगो लगा के उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने लगाना होता है। ये आपकी LMS से आपको मिल जाएगा, इसके अपना नाम और सिग्नेचर लिख के आपने यहाँ पर पिक्चर बना के पेस्ट करनी होती है। नेक्स्ट आपने अपना इस तरह से वो इंटर्नशिप लेटर जो आपने बनवाया होता है उसकी पिक्चर आपने लगानी होती है। नेक्स्ट आप ये अपने जो वर्किंग है इसको डेडिकेट करते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपने लिखनी होती है। एग्जीक्यूटिव समरी आपने अपनी पूरी रिपोर्ट की यहाँ पे राइट अप करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है। उसके बाद ओवरव्यू, आपने ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू यहाँ पे देना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है वो क्या काम करती है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। प्रोडक्ट लाइन आपने लिखनी होती है, ये सारी चीज़ें, कंपटीटर्स के बारे में लिखना होता है। ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट होता है, ये आपने इस तरह से बनाना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ कहीं पे आपने इंटर्नशिप की होती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना होता है आपने। नेक्स्ट आपने डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स के बाद हर डिपार्टमेंट को लिटिल बिट आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन के कमेंट ऊपर आपने कमेंट्स करने होते हैं। प्लान ऑफ योर इंटर्नशिप आपने इस तरीके से लिखना होता है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट, जिस जिस डिपार्टमेंट में आपने कितनी कितनी इंटर्नशिप की है, टास्क परफॉर्म्ड आपने सारे लिखने होते हैं, कितने आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं। उसके बाद ये आपने सारी डिटेल्स, फंक्शनिंग, आपके इंटर्नशिप के जो सब्जेक्ट है उसकी डाउनलोड सेक्शन में फॉर्मेट दिया हुआ, आपने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारी क्रिटिकल एनालिसिस पहले आ जाता है, फिर स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, एट द एंड आपने इस तरह से रेफरेंसेस लगाने होते हैं, और फिर एनेक्सेस में आपने ये पिक्चर्स वगैरह कुछ कंपनी के बारे में लगा देनी होती हैं। तो ये इसका ओवरऑल प्रोसीजर होता है। तो किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को इसकी पेड सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो रेडी टू सबमिट तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो, किसी स्टूडेंट ने कुछ डिस्कस करना हो तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।